हेलो तपाड़ी, व्हाट्स अप। संडे का दिन कैसा गया सबका अब तक? आज तो नो लेट ओपी, आई गेस टाइम भी 2 ही बजे हैं। अपन बिल्कुल टाइम पे, क्योंकि मेरी आज क्लास नहीं थी आईटी में। क्या पढ़ना है आज, पता किसी को? मैं भी यूट्यूब खोल रहा हूँ फोन पे। ये देखो, कोर्स खोल लिया आईटी का। तुम लोग कहाँ पे हो? तुम लोग ये रहे। हाँ, 11 अक्टूबर का सेशन कोर्स खोल लिया आईटी का। हाँ जी, अक्षत पांडे जी, कैसे हैं पांडे साहब? फिर कौन है? हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ जय। हाँ, अमित कुमार सिंह। हाय खनक। हाय अंजलि। फिरोज सर। ओके ओके, नाइस। लेट ओपी समृद्धि ना? अब तो लेट ओपी नहीं, देखो भाई इतना तो चलता है। अब भैया को स्लाइड्स बनानी होती है, भैया को आईटी का पढ़ना भी होता है। लॉट ऑफ टफ नो। तो स्पेशल क्लास है गौरांग पुराहित, रोज होती है स्पेशल क्लास 8 PM। यार ये देखो, रोज होती है 8 PM। किसी को दिख रही ना कुछ डिफरेंस विफरेंस? बैकग्राउंड बदल गया, फोटो का साइज बड़ा हो गया। ये देखो इतनी बड़ी फोटो हो गई, और ऊपर से इसका सिंक भी भाग गया। ये पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है, साबुन स्लो हो गया इसका। सही बात है यार, देर तो होते ही हो। ठीक है, हाय निहाल चुग, गुड आफ्टरनून मल्टी टैलेंटेड। थैंक्स यार, गुड आफ्टरनून तुम्हें भी। हाय पौलमी घोष, हाउ यू? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बहुत कुछ आज पढ़ने को, फाउंडेशन एंड एसी की क्लास में। मैं हूँ आशुतोष सिंगल, तुम्हारा टीचर। आई एम डूइंग माई बी टेक फ्रॉम आईटी दिल्ली इन केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आई एम एन एनटीएससी स्कॉलर। रैंक वैंक तुम्हें पता है, नंबर वंबर स्टेट रैंक 19 थी पहले। ठीक है, ये रैंक्स मेंस में 2383, यहाँ पे 1369 हो गई। अब 3169 ओपी, ये बोर्ड्स में 95.8, एंड कुछ सरकारी पेपर और ये कुछ प्राइवेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपना परम सत्य AS01। इनकेस यू वांट टू गो इन फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, तो AS01 का करेंगे प्रयोग। आगे देखो, ये है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे ही हमारी होती हैं सारी की सारी स्पेशल क्लासेस और प्रीमियम पेड क्लासेस। मेरी होती हैं स्पेशल क्लासेस जो कि रोज होती हैं। ये देखो, प्रीमियम क्लासेस रोज होती हैं 8 PM टू 9 PM। दीज आर फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, एंड जो उस पर आते हैं उनसे पूछो। हम वहाँ पे ओपी लेवल पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं बेसिक्स के लिए, टेक्निक समझने के लिए। वहाँ पे हम पूरा एनटीएससी करते हैं, फ्रॉम फाउंडेशन, फ्रॉम जेई फाउंडेशन टू प्रॉपर एनटीएससी। ठीक है, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ये देखो bit.ly/sep2020AS01। इस लिंक को खोल के देखो, पूरा का पूरा तुम्हें कोर्स दिख जाएगा। एंड ये अनअकैडमी की ऐप तुम्हारी फ़ोन में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी के थ्रू तुम क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, बी इट फ्री स्पेशल क्लासेस और बी इट दी प्रीमियम पेड प्लस क्लासेस। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर दी प्लस क्लासेस, तो तुम्हें 2 ईयर्स के लिए ये 19,000 - 100 रुपीज़। अंजलि हमारी स्टूडेंट आती है रोज, इसका शो नया फिक्स, तुम्हारा भी हो सकता है इनकेस यू गोइंग फॉर प्लस। एंड उसके लिए तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा AS01 का रेफरल कोड। ठीक है, 10% ऑफ मिल जाएगा इसके बेसिस पे। तो अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। ट्रिग्नोमेट्री अपनी एडिटिंग ओपी, तो सारे एडिटिंग ओपी जाग रहे हो। वेक स्लीप, वेक स्लीप, क्या चल रहा है? ओपी लेवल क्या है सर? केमिस्ट्री पढ़ा देना, केमिस्ट्री क्या पढ़ाऊँ यार। ओपी लेवल मतलब प्रॉपर एनटीएससी, मतलब जो तुम समझते हो ना कि सर एनसीईआरटी क्यों करा रहे हो, बेसिक टेक्निक्स क्यों करा रहे हो। वेक वेक, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पर्दा हटाते हैं, पर्दा हट चुका है। पर्दा हटने के साथ ही ट्रिग्नोमेट्री की ये 1A की सेकेंड लास्ट क्लास, आज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, उसकी थ्योरी और उसके क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। कल थोड़े मिक्स तरह के सवाल ट्रिग्नोमेट्री से भी, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से भी, ताकि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री ओवरऑल रैप अप हो जाए। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि कल जो CBSE का सैम्पल पेपर आया 10th का, उसका एनालिसिस करते हैं। बोलो करें क्या? कल CBSE का सैम्पल पेपर करना है, ऑप्शन ए CBSE सैम्पल पेपर, या फिर ट्रिगो के और सवाल, ट्रिगो क्वेश्चंस, या फिर CBSE एनालिसिस मैथ्स का। बोलो क्या करना है, ए या बी? ए ए मेंटी होगा, मेंटी तो परसों होगा, मेंटी होगा, मेंटी में कोई इशू नहीं है। मेंटी 13 तारीख की फिक्स है, मेंटी 13 अक्टूबर की फिक्स रखी है, नो वरीज। मैं 12th के लिए पूछ रहा हूँ, 12th के लिए ट्रिको के और क्वेश्चंस कराऊँ या फिर CBSE का एनालिसिस कराऊँ? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आज खत्म करा दूंगा। ए ए ए एंड बी बोथ? अरे दोनों तो नहीं हो पाएंगे, एक बताओ।
ठीक है, ज्यादा जनता ए बोल रही है, ए रखते हैं। कल सीबीएसई का एनालिसिस जो पेपर आया है बोर्ड की वेबसाइट पे, कल उसका मैथ्स का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, मैं अन अकाडमी को रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि यार मेरे को मैथ्स का करना है, तो मैं अभी तुम्हारे सामने मैसेज कर देता हूँ कि भाई मैथ्स का हम कर रहे हैं, एंड फिर कल मैथ्स का सेशन वो करेंगे। ठीक है, मैथ्स चेक करते हैं कल बोर्ड वाले क्या करा रहे हैं। ये लो, टुमारो 2 PM मैथ्स सीबीएसई सैंपल पेपर एनालिसिस। ठीक है, चल है। अब जो चैप्टर्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे जस्ट फॉर टुमारो, बट 31 अक्टूबर तक तो मैं करा ही रहा हूँ सारे के सारे। तो इवन इफ तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा किसी चैप्टर का कुछ, तो 31 अक्टूबर तक समझ आ जाएगा। ठीक है, मैसेज कर दिया मैंने। प्लीज सर वी आर पुअर, बोलो क्या हुआ। अरे युवा तेजा क्या हुआ भाई, मैं सबकी हेल्प ही कर रहा हूँ, मतलब फ्री कोर्स तो है यार, मैं कौन सा पैसे ले रहा हूँ। ठीक है, अपनी क्लासेस का स्ट्रक्चर पता है, 1A में फंडामेंटल बेसिक्स, 1B में ओपी लेवल कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर प्रॉपर, जो 11th 12th का थोड़ा बहुत बेसिक चाहिए वो भी आईटी फाउंडेशन लेवल का, 2A में मेंटी जो कि परसों होगी, एंड 2B में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं उस चैप्टर के लिए जो एनटीएससी में प्रॉबेबली आ सकते हैं। ठीक है, ये अपना ऊपर कोर्स ट्रैकर लिंक, इसमें पूरा का पूरा कोर्स लिखा होता है, और ये अपना टेलीग्राम का चैनल, हर जगह इसके लिंक के बारे में वर्णन होता ही है। इसी के साथ चैप्टर शुरू करते हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 9 मिनट्स के अंदर हमने स्टार्ट कर लिया चैप्टर आज। 31 अक्टूबर को मेरा कोर्स खत्म है तुम्हारी तरफ से, मतलब मैं 10th का पूरा 31st तक रैप अप कर दूंगा। 31st के बाद तुम SST पढ़ो, मैट पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो ताकि 12-13 दिसंबर तक तुम अपना पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर पाओ। ठीक है, सिलेक्शन करवाना है हम लोगों को अपना, मैथ मैथ से प्यार नहीं करना, सिलेक्शन करवाना है NTSC में। हाय परमजीत सिंह, रमेश चंद्र चोपड़ा, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है उसका मैंने कल USC पे फॉर्मूला बताया था, √A² + B² तो ये 5 और 12 का रूट का हो जाएगा 13, और 12 तो लिया हुआ है तो मिनिमम वैल्यू 12, मैक्सिमम वैल्यू 25 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, रमेश चंद्र चोपड़ा जाके तुम देख लेना, जिसको समझ नहीं आया मैंने क्या बताया, रमेश चंद्र चोपड़ा ने पूछा कि 5 cos A + 12 sin A + 12 की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है 5 cos A + 12 sin A का, दिस बिलोंग्स टू, मतलब ये कहाँ, इसकी मिनिमम होती है, इसकी मिनिमम होती है माइनस ऑफ √A² + B², जहाँ ए इसका कोफिशियंट बी इसका कोफिशियंट, एंड मैक्सिमम होती है प्लस ऑफ √A² + B² वाई एंड हाउ, कल शाम की USC पे डिराइव कराया हुआ है, तो कल शाम की USC पे जाना, USC मतलब अनअकैडमी स्पेशल क्लास, वहाँ पे दिख जाएगा। तो मिनिमम हुई -13, मैक्सिमम हुई +13, इसमें +12 ऐड कर दोगे तो मिनिमम क्या हो जाएगी -1, मैक्सिमम हो जाएगी +25। ठीक है, समझ गए सर। वाई यू ब्रिंग NCERT बुक फोटो, यार आई ब्रिंग NCERT बुक फोटो सो दैट आई कैन टीच यू द बेसिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग इट सेल्फ। NCERT से बेसिक कहीं पे नहीं दिया होगा, तुम NCERT को बहुत हल्के में लेते हो, पर NCERT के बेसिक्स ही कभी कभी पेपर में डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। ठीक है, गॉट इट। IIT कैसे क्रैक होगा, मेहनत करके, पहले जय पहले NTSC वगैरह क्रैक करो, जय फाउंडेशन की तैयारी करो, जय फाउंडेशन के बाद IIT की तैयारी करोगे उससे काम हो जाएगा। चलो ठीक है यार, ये लास्ट में बताऊंगा रमेश चंद्र चोपड़ा, ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है क्लास के लास्ट में बताऊंगा, मैं बता दूंगा नॉट प्रॉब्लम, बट लास्ट में तो पूछ लेना वापस से। ठीक है, बता दूंगा मैं, इजी बीजी क्वेश्चन है, USC पे आते तो USC पे डायरेक्टली मैं सॉल्व भी करवा देता, बट अब ये प्रायोरिटी है इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हाइट्स एंड डिस्टेंसेज निकालना। हाइट्स एंड डिस्टेंसेज का फंडा क्या होता है, मैंने तुम्हें चैप्टर की स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री के बताया था कि इसकी एप्लीकेशन होती है GPS, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज, मे बी कोऑर्डिनेट्स निकालना, कुछ भी करके ट्राइंगल्स में जो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उनकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना, करेक्ट। अब उसी में से एक छोटी एप्लीकेशन है हाइट्स एंड डिस्टेंसेज फॉलो करना या निकालना, जैसे कि पहले वॉर्स में किया जाता था। तो यहाँ पे क्या किया, तुम यहाँ पे खड़े हो गए मान लो, अब तो तुम्हें साइन कॉस टैन मैंने सिखा दिया, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ तुम्हें वो आता है, तुम यहाँ पे खड़े हो,
इस पूरी की परे कुतुब मीनार के सामने खड़े हो और तुमने कुतुब मीनार का बेस दिख रहा है, बेस दिख रहा है और उसका टॉप दिख रहा है, और तुम्हारी कुछ हाइट भी है अपनी। ये देखो तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारी अपनी हाइट भी है, ये तुम्हारे फुट से यहाँ का डिस्टेंस विच इज ई डी, ये तुम्हारी आंख से सामने वाली जगह का डिस्टेंस ई ए बी, जो कि ए बी इक्वल टू ई डी होगा, बराबर बराबर। तुम सीधे ही खड़े रहोगे, राइट? टेढ़े तो खड़े नहीं होते, सीधे ही खड़े होते ना सारे के सारे। तो जितना आंख से सीधा डिस्टेंस उतना पैरों से सीधा डिस्टेंस। ऑल्सो जब तुमने गर्दन घुमाई, गर्दन घुमा के जो तुमने टॉप को देखा, तो जो वर्चुअल इमेजिनरी लाइन तुम्हारी आंखों को उसके टॉप से ज्वाइन कर रही है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो बिल्कुल सामने है आंखों के बिल्कुल सामने, और टॉप को देखने के लिए तो लाइन बनी, लाइन ऑफ साइट। इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो ऊपर है तो उसको बोलते हैं जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से ही, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस रहेगा याद रखना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही तुम मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग पे खड़े हो, मान लो तुम ये कुतुब मीनार पे खड़े थे, अब यहाँ पे तुम ऊपर चढ़ गए, वैसे तो ऊपर चढ़ना आजकल की डेट में अलाउड नहीं है, पर मान लो तुम चढ़ गए ऊपर। अब तुम नीचे देख रहे थे और यहाँ पे कोई मेट्रो जा रही है, मान लो यहाँ से कोई मेट्रो जा रही है, ये मेट्रो एक हाइट पे है, तो तुमने मेट्रो को जब देखा, दिल्ली वाले समझ पा रहे होंगे मेट्रो जाती है यहाँ के सामने से, ठीक है, तुमने जब ऊपर से मेट्रो को देखा तो हॉरिजॉन्टल के साथ, इस हॉरिजॉन्टल के साथ तुम्हारी आंख ने जो मेट्रो के साथ लाइन बनाई, ये मेट्रो को देखती हुई, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल से नीचे, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। करेक्ट? नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे डिप कर गया वो, ऊपर देख रहे हो एलिवेट कर गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। याद क्या रखना है कि हॉरिजॉन्टल से बनेगा, इसको मत बोल देना एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन विद हॉरिजॉन्टल ही बनता है, समझे क्या? तो अगर ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर ये होगा, समझे क्या? मैम व्हेन विल यू स्टार्ट द मेंटी? कौन सी मैम भाई, देयर इज नो मैम आउट हियर। नमस्ते मनराज, नमस्ते प्रशांत जन सर, अनअकैडमी पढ़ाते हैं? बिल्कुल वहीं पर पढ़ाते हैं। 11-12 का बेसिक्स कौन पढ़ाता है? पॉलमी घोष। देखना पड़ेगा यार, 11-12 के बेसिक्स ऐसे मत पढ़ो, तुमने एनएससीजीएस के लिए पढ़ना है, मैंने तुमने बताया उस पर टेलीग्राम पे, एनएससीजीएस के बेसिक्स ऐसे हवा में नहीं पढ़ते हैं। एनएससीजीएस के बेसिक्स एनएससीजीएस का पर्टिकुलर कोर्स पढ़ के होते हैं, ठीक है? कोर्स पढ़ा, कोर्स पकड़ो कोई, जितने रिक्वायर्ड बेसिक्स है उतना ही पढ़ाया जाएगा उसमें, ठीक है? तो अब तक हम लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन देख चुके हैं। लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ ऑब्जर्वर टू पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, यही मैं देख रहा हूँ ऑब्जर्वर और जो ऑब्जेक्ट है इनको जो जोड़ रहा है वो है लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल से जितना ऊपर उतना एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? किसी को यहां तक डाउट है तो डाउट पूछ लो, वरना सी वाई लिख दो, क्योंकि अब इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, अब सिर्फ सवाल है, सिर्फ सवाल। 15-20 सवाल कराऊंगा, सवालों में भी क्या, सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा दूंगा, आंसर तो खुद निकाल ही लोगे। मेन तो फील आनी चाहिए कि करना क्या है, तुम्हें अंग्रेजी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, उसके बाद तो वही लगेगा जो पिछले चैप्टर में करा था, ठीक है? बस अब लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन तीनों टर्म्स को याद रखना है, उसके अलावा हमें इस चैप्टर में और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? YTFF देखेंगे? नहीं भैया टाइम नहीं है, YTFF कहाँ देखेंगे, ठीक है? एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बता दिया, हॉरिजॉन्टल से बनता है। अब सवाल, सिर्फ और सिर्फ सवाल, सवालों को इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्ट करना सिखा देंगे और इसी के साथ क्लास ओवर। कोई डाउट होगा तो पूछ लूंगा, ये जैसे इसने पूछा था अभी बीच में बच्चे ने, ठीक है? अब स्पैम मत करो, दिख गया मुझे मेड ऑफ स्टोन, दिख गया सी वाई, बस होल्ड ऑन। बाकी बच्चे 14 बच्चे हैं, बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? हाँ ना, सी वाई वी वाई कुछ लिख दो, क्वेश्चन करके बताइए। हाँ क्वेश्चन करके बताऊंगा तुम्हें, डोंट वरी, सिखाऊंगा कि इंग्लिश को मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ज़्यादा टफ था क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें सीखनी थी, इसमें उसी ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना है, तो इसमें बस अंग्रेजी आनी चाहिए, मैथ्स तो पिछले चैप्टर वाली ही काम आएगी, ठीक है? अमितांशु बढ़िया, अथर्व बढ़िया, सब सोए पड़े हैं पता नहीं यार, चलो ठीक है, संडे की शाम है मान लिया, संडे की दोपहर है, सो जाओ बट पढ़ तो लो। चलो अब करते हैं। अ टार स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, जमीन पे एक टार खड़ा इतना बड़ा, ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे ये ग्राउंड पे इसके बिल्कुल साथ कोई पॉइंट है जो कि फुट ऑफ द टार,
फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर है। सही बनी हुई है फिगर, ये बनाया टावर इसके बेस से, ये बेस से 15 मीटर दूर, ये 15 मीटर दूर एक पॉइंट पड़ा है। ओके, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज फाउंड टू बी 60। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? इस पॉइंट से लेके ऑब्जेक्ट तक ज्वाइन करने वाली लाइन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हुआ ये ग्राउंड, ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप का। तो ये रहे टॉप, टॉप को जोड़ दीजिए इस पॉइंट से जिसकी बात की 15 मीटर वाले से, मतलब यहीं तक जोड़ना था एक्चुअली, रिस्पॉन्ड थोड़ा लेट कर रहा है, जोड़ना केवल यहीं तक था, यहां तक, समझे, दिस टू दिस। एंड इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर कितना उठ रहा है 60 डिग्री। बस बन गया सवाल, यही फिगर इन्होंने बनाई हुई है, फिगर बना ली तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे फिगर ही बनाने की फाइट रहती है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं होता। अब क्या पूछा है? हाइट ऑफ टावर बता दो। हाइट ऑफ टावर क्या है? ये वाली साइड। अगर तुम्हें ये पता है और ये निकालना है तो इस एंगल के थ्रू तुम इसको और इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? जो साइन होता था, साइन ऑफ दिस एंगल वुड बी दिस बाय दिस। साइन तो नहीं आ रहा क्योंकि दिस और दिस आर नॉट इन्वॉल्व विद दिस व्हेन द रिक्वायरमेंट इज ऑफ दिस एंड दिस। ओके, लेट्स थिंक अबाउट कॉस। वॉट इज कॉस ऑफ दिस 60 मीन? दिस बाय दिस। लंबा रास्ता, अगेन लंबा रास्ता, कैसे? कॉस 60 लगाओगे तो दिस अपॉन दिस, कॉस 60 पता है, ये साइड पता है, ये निकाल लोगे, फिर पाइथागोरस लगा के ये निकालोगे। लास्ट ट्रिक, टैन लगाते हैं। टैन क्या होता है? टैन ऑफ दिस एंगल इज ऑपोजिट ऑफ और एडजेसेंट, तो टैन ऑफ 60 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, टैन इज द आंसर। टैन 60 लगाएंगे तो क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा, यही इन्होंने किया। टैन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट की वैल्यू पता है, दिस इज 15, हेंस ऑपोजिट जो था, जो कि हाइट रिक्वायर्ड थी, वो आ गई 15√3। इस क्वेश्चन का मैंने बहुत प्यार से समझाया ताकि तुम्हें चीजें समझ आ जाए। अब क्वेश्चंस को भगाते हैं, ठीक है? नया बैकग्राउंड, एग्जैक्टली, देवाशीष देशमुख, लेट आए तो तुम थोड़ा लेट समझे। भवेश गायरी, यूर न्यू, हिमाचल एंड ऐसी बहुत ईजी होता है यार, बहुत लो कट ऑफ जाती है, बस थोड़ी मेहनत करो निकल जाएगा आराम से, ठीक है? अरे थैंक्स मैन, थैंक्स, ठीक है, क्वेश्चन भी दे देना सर होमवर्क के लिए, क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है यार। तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल t.me/NTSC01। 100-150 किताबें पढ़ी हैं वहाँ पे, 100-150 किताब में से कोई भी उठा लो, कोई भी कर लो, इनफ है। वो भी नहीं भी कर रहे, इतने सवाल कर रहे हो, यूएससी पे आ रहे हो, अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, रोज के 2 घंटे तुम्हारे मैं ले रहा हूँ, अगर 2 घंटे मुझसे पढ़ रहे हो, 1 घंटा उसको रिवाइज कर रहे हो, 3 घंटे दिन में मैथ्स के लिए इनफ है, और मैंने तो 1.5 महीने में सिलेबस खत्म करा दिया ऐसे ही, ठीक है जी। चंडीगढ़ एनटीएससी कैसा होता है? चंडीगढ़ एनटीएससी टफ होता है, मतलब इजी आता है बट टफ इसलिए होता है क्योंकि सीट्स बहुत कम है, तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। महाराष्ट्र का मेरे को बच्चे बता रहे थे कि एसएसटी और मैट टफ रहता है। थैंक्स सर भवेश, ठीक है। कोलकाता एनटीएससी इजी होता है क्या? पोल में आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट वेस्ट बंगाल यार। व्हाट अबाउट उत्तराखंड? उत्तराखंड इज सो इजी ओपी, ठीक है। किताब कहाँ है? टेलीग्राम पे। कार्तिक सिंह राजपूत, ज्वाइन करो ये वाले ग्रुप में, जब ज्वाइन करोगे तो इसका जो डिस्कशन वाला ग्रुप है, इसके डिस्कशन वाले में फाइल्स देख लेना, ग्रुप पे टाइप करके पूछ लेना, मैं ही बता दूंगा कहाँ पे है। 100-150 बुक्स पढ़ी है वहाँ पे, कोई भी बुक उठाओ, पियर्सन पढ़ी है, रेजोनेंस के मटेरियल पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, जो चाहिए सब मिल जाएगा, ठीक है। दिल्ली इज द टफेस्ट मैन, दिल्ली के बाद हरियाणा। चलो ठीक है, बातें हो गई, अब सवाल करते हैं वापस से। इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ओके, जमीन पे एक इलेक्ट्रिक पोल है 5 मीटर का। अब क्या बोल रहे हैं? शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल टू अंडरटेक द रिपेयर ऑफ वर्क। इसको पूरे के पूरे 5 मीटर से मतलब नहीं है, इसको टॉप से 1.3 मीटर नीचे, यहाँ पे, यहाँ से अगर इसकी हाइट है 1.3 तो ये हो जाएगा 3.7, 5 है ना टोटल। यहाँ पे इसको सीढ़ी से पहुंचना है। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर The which inclined to an angle would enable her to reach. Okay, ladder ऐसी चाहिए जो कि horizontal से 60 degree inclined हो, मतलब ये ladder लगाई, ये सीढ़ी लगाई, और ये जो horizontal है, जमीन पे पोल पड़ा है, यहां से लेके यहां तक ये जो ladder रखी गई, ये ladder जमीन से 60 degree का angle बना रही है ऊपर की तरफ, horizontal से ऊपर की तरफ जो angle बनता है उसको क्या बोलते हैं? Angle of elevation, यही लिखा हुआ है, 60 degree ऊपर ladder को बनाना है। इसका मतलब
ये आ गई हाइट 3.7, ये आ गई 60, तुम्हें चाहिए अब लेंथ ऑफ दिस लैडर। अगले पार्ट में क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द पुट द प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब पहले ये वाली साइड बता दो लेंथ ऑफ द लैडर, फिर ये वाला डिस्टेंस बता दो कि ये कितनी दूर है। अब पहले ये बताओ इस 60 से इसको और इसको रिलेट करने का फंडा कैसे आएगा। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन बताए ना सो का तोआ, तो साइन क्या है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, अरे साइन सीधा सीधा लग जाएगा यहाँ पे। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज 3.7 अपॉन रिक्वायर्ड साइड, इसको बोल दो एक्स, इसकी वैल्यू होती है रूट 3/2, पढ़ाया मैंने ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.7 इंटू 2 अपॉन रूट 3, ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, ये रूट 3 नीचे आ जाएगा, आगे समझ, एक्स की आगे वैल्यू ये। अब एक और चीज, अब इसको और इसको रिलेट करना है क्योंकि हमें चाहिए ये वाली डायमेंशन भी मांगी हुई है, कितना फुट ऑफ द पोल से रखना चाहिएगा फुट ऑफ लैडर को दूर, तो अभी लगेगा टोआ क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट गिवन है, एडजेसेंट निकालना है, तो डायरेक्टली टैन 60 लगाओ आंसर आ जाएगा। अगर टैन नहीं लगाना तो कहाँ लगा लो, कहाँ में क्या होगा दिस बाय दिस, अब तो तुमने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली 4.28, इसको यूज कर लो नॉट अ प्रॉब्लम। टैन से अगर करूँगा तो टैन 60 इज इक्वल टू 3.7, अब इसको बोल लो वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, तो वाई क्या हो जाएगा 3.7 अपॉन, इसकी वैल्यू होती है रूट 3, ये आ गया 3.7 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा 2.14, ठीक है इजी पीजी, समझ आ गया लेमन स्क्वीजी, लिंक किया है। मैं अच्छा हूँ मनीष, राजस्थान का टफ होता है, आईसीसी का चल रहा है क्या, आईसीसी का इसके बाद देख लूंगा कभी स्पेशल क्लासेस पे, इक्का दुक्का चैप्टर जो अलग है वो करा दूंगा। काउंसलिंग का काम करता हो क्या, माने तो बोलो क्या कहना चाह रहे हो, उसका डिस्कस नहीं है, अरे है डिस्कस भाई, मैं चलाता हूँ उस ग्रुप को रोज, उसका डिस्कस है ही है। राजस्थान का, राजस्थान क्या है का सर, मतलब इज इस फॉर एनटीएससी। श्रुति आहूजा यार द कोर्स इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, इट रन्स इन 4 सब कैटेगरीज 1A 2A 1B 2B, करंटली जो कर रहे हैं वो है 1A, 1A में करते हैं एनसीईआरटी बेसिक्स, 2A में करते हैं मेंटी, ठीक है ये दोनों होते हैं यूट्यूब पे, ये दोनों होते हैं अन अकेडमी स्पेशल क्लास पे, ये भी फ्री, यूट्यूब तो फ्री है ही। तो 1B में क्या होता है प्रॉपर फाउंडेशन के नोट्स पढ़ाए जाते हैं, वहां पे मैं अज्यूम करता हूँ कि तुमने एनटीएससी पढ़ लिया, तो मान लो तुम मेरे स्टूडेंट हो जो कि बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, वो पहले 1A देखेगा, फिर वो 1B देखेगा, फिर वो मेंटी देगा, और फिर वो आएगा 2B में जहां पे करते हैं प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर के फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हें पहले से आता है एनसीईआरटी टाइप्स का, फिर बिल्कुल बेसिक टेक्निक्स पहले से लगानी आती हैं, तुम्हें इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं सीखनी, तो तुम 1A ऑमिट करके 2A 1B 2B तो पक्का देखोगे, ठीक है। तुम यूट्यूब पे आओगे इस मेंटी के लिए, और स्पेशल क्लास पे रोज आओगे, स्पेशल क्लास होती है रोज 8 PM टू 9 PM, और यूट्यूब होती है रोज 2 PM टू 3 PM, गॉट इट। आरडी समय बोल रहे डिसेंट है, श्रुति आहूजा यूएससी पे आओगी अन अकेडमी स्पेशल क्लास, यस और नो, आज एमआई वर्सेस डीसी, ओके नाइस परफेक्ट। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, आप खड़े हैं यहाँ पे, आपकी हाइट है 1.5 मीटर, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ये चिमनी है पूरी की पूरी लगी हुई, ये 28.5 मीटर दूर है इसके बेस से, ठीक है। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree, top of the chimney है ये, उसकी angle of elevation, line of sight होती है जहाँ पे उसकी आंखें और top जुड़ रहे होंगे, जहाँ पे उसकी आंखें और top जुड़ रहे होंगे, ये हुआ angle of elevation, ये हुआ line of sight, line of sight ने horizontal से कितना angle बनाया 45 दिया हुआ यहाँ पे, ये लिख दो 45 यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज चिमनी भी सीधी खड़ी होती है और लड़की भी सीधी खड़ी हुई है, तो अगर ये 45 तो ये 45, सिंपली आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 45 45, हेंस दिस साइड वुड बी इक्वल टू दिस साइड, तो
DE इक्वल टू AE। ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो tan 45 1 लगा के, एक ही बात आएगी, पर मेरे को लगा ट्राइंगल से और सिंपल हो रहा था वैसे कर लो। 28.5 ये हो गया। ऑल्सो द गर्ल इज 1.5 मीटर टॉल हरसेल्फ, तो 1.5 मीटर DC, 1.5 मीटर ये, ये 28.5 या 1.5, टोटल कितना हो गया 30 मीटर। यही पूछा गया था हाइट ऑफ टावर कितनी है या हाइट ऑफ चिमनी कितनी है। 30-30 लिख दो जिसको समझ आ गया। फिगर बनानी टफ है सिर्फ, सेवर ऑफ फिगर बनानी, फिगर बना ली तो उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ओरल पोरल एग्जैक्टली नहीं 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 नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कम्स बिलो हॉरिजॉन्टल। इफ दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड यू लुकिंग एट समथिंग बिलो, तो हॉरिजॉन्टल के बिना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज नॉट द वर्टिकल के साथ वाला इज नॉट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, थोड़ी देर पहले भी यही बताया था। ठीक है, नॉलेज इज इनफ फॉर एनटीएससी काइंड ऑफ, यस प्रैक्टिस भी जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। तो पहले नॉलेज लेके जाओ, बेसिक सीखो, उसके बाद हाई लेवल पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस भी करो। एन वाई मतलब अथर्व, सी वाई, ओके सी वाई सी वाई सी वाई। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। थोड़ा समझो इसको, मैं इसकी बिल्ड, मैं तुम्हारे ड्रॉइंग स्टार्टिंग से बनवाता हूँ। जमीन पे एक पॉइंट है और एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ रहे हो, ये इसका टॉप है, इसके टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जमीन से है 30 डिग्रीज। ओके, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे और लंबी करनी पड़ेगी फिगर, इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूँ ऐसा। ये है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये है इसका टॉप और ये है 10 मीटर, इसके ऊपर लगा दिया एक झंडा। अब क्या बोल रहे हैं, फ्लैग रखा टॉप पे एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी, ये पॉइंट पी से इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, मतलब इस टॉप ऑफ फ्लैग को इस पॉइंट से जोड़ू, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जोड़ दिया, तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल ये है तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट जितनी हॉरिजॉन्टल से ऊपर है वो है 45 डिग्रीज। तो अब आपको बताना है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पी, इसको बोलो वाई, इसको बोलो एक्स। अब बड़े वाले ट्राइंगल में जहां पे 45 डिग्री बन रहा है वहां पे ये 45 ये 90, बिकॉज ये बिल्डिंग टॉप पे है, ये बिल्डिंग बिल्कुल परपेंडिकुलर है, समझे, ये बिल्डिंग है परपेंडिकुलर, करेक्ट, बिल्डिंग बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, बिल्डिंग बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो ये y इक्वल टू x प्लस 10 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा साइड इक्वल टू ये वाला साइड हो जाएगा कि नहीं, 45 45, पीछे साइड वाला लॉजिक करेक्ट नॉट। IIT 23 क्या है, 23 का मतलब जिसमें मैं ग्रेजुएट होऊंगा। अच्छा तुम क्लास 8 में हो, आरएमओ का पढ़ चुके हो, क्या लगता है एनटीसी के लिए पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा आरएमओ में यार, तुम्हें लगेगा नॉन रेगुलर मैथमेटिक्स, ऑफकोर्स तुम्हारे चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं मैथ्स के थ्रू, बट जो डायरेक्ट मैथमेटिक्स है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन रेगुलर, तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। आरएमओ में तुम्हें सोचने का टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है, पर यहाँ पर स्पीड मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर करती है, आरएमओ में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे स्टेप्स से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आंसर से फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। क्या टाइम पास कर रहे हो यार, इतना स्पैम नहीं करते यार। हाँ रत्नेश, मेंटी परसों है मेंटी, ऑल्टरनेट एंगल से तो इक्वल हो जाते हैं ना, हाँ बिल्कुल ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, और क्या चल रहा है यहाँ पे, सही है सही है सही है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा यार, जियो वालों को दिक्कत आती है, वाईफाई से कनेक्ट करके देखो फिर ज्वाइन हो जाएगा। PRMO में रैंक 324 है, अच्छी बात है, मेरे को पता नहीं टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं, तो ठीक है, गुड फॉर यू, नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, बट NTSC पढ़ लोगे तो और एडवांटेज रहेगा, मैं तो यही चाहूंगा ना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, मुझे क्या प्रॉब्लम, मेरा और रखा है पहले से, मुझे क्या कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ऑल्सो क्या जुगाड़ लगाए, इस छोटू ट्राइंगल में, इस छोटू में ये 30 दे रखा है और ये 10 और y को रिलेट कर सकते हैं हम tan से, तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू 10 बाय y, करेक्ट। tan क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
तो 10 अपॉन y, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 3, तो y हो जाएगा 10 रूट 3, ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, y जब हो गया 10 रूट 3, तो x क्या आएगा, x आएगा 10 रूट 3 माइनस 10। अब जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू वहां पे उनको दे दो। लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ क्या है, x, तो x की x है जी ये, और डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P क्या है, y, तो y है जी ये, समझे कि नहीं, सी वाई, चलो एग्जाम्पल नंबर 5, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ये बिल्कुल लेवल ग्राउंड का मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे खड़े हुए एक टावर के लिए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे खड़े हुए एक टावर के लिए, ये रहा तुम्हारा टावर बना दिया, शैडो जो बनी 40 मीटर लॉन्गर होती है व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30, व्हेन इट इज 60, ओके, पहले देखो 30 एंगल बनेगा जब, तो ये थोड़ा लंबा होगा, करेक्ट, ये है 30 के लिए, 30 थोड़ा छोटा एंगल होता है तो थोड़ा दूर जाके बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फील आ रही है थोड़ी सी देख के, 30 है तो थोड़ा दूर जाके बन रहा है 30 एंगल, 60 है तो थोड़ा पास आगे बन रहा है, इसको ट्राइंगल से समझ सकते हो, 60 डिग्री इक्वल्स टू 30 प्लस दिस एंगल, ऑफकोर्स ये वाला जो एंगल होगा वो इससे बड़ा ही होगा ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, जैसे 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 ये एंगल पास आता जाएगा ये एंगल बड़ा होता जाएगा, और जैसे 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 ये एंगल घूमता 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 यहाँ तक आ गया, ये एंगल हो जाएगा 90, वही परपेंडिकुलर का मतलब होता है, करेक्ट, थोड़ी ज्योमेट्री फील कर पा रहे हो, इसीलिए अगर किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि 30 वाला पास है 60 वाला पास है, तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यार एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 वाला जैसे इन्होंने बताया है, एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 वाला, तो ये होगा 30 ये होगा 60, क्योंकि ये एंगल, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल का काम करता है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, 60 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसका मतलब दिस एंगल हैज टू बी बिगर देन दिस एंगल, करेक्ट। अब जब ये फिगर बन गई, अब सवाल सॉल्व हो गया, अब उसने बोला है कि 30 डिग्री में 40 मीटर लॉन्गर होता है, तो मतलब ये वाली जो शैडो बनी, ये शैडो माइनस ये शैडो इज 40, इसका मतलब दिस साइड डी सी इज इक्वल टू 40। अब क्वेश्चन सॉल्व, दो ही क्वेश्चन है 30 और 60 के लिए, बड़ा बड़ा ट्राइंगल, तो इसको बोल दो x, इसको बी सी को, बी सी को बोलो x, इसको बोलो y, दोनों ट्राइंगल में लगा दो ट्रिग्नोमेट्री, खत्म। tan 30 क्या होगा, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ये लगेगा ए डी बी में, तो ये हो जाएगा y अपॉन x प्लस 40, करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन वुड बी ट्राइंगल ए सी बी में y और x के बीच में, दैट वुड बी y बाय x ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा रूट 3 tan 60 और ये हो जाएगा 1 बाय रूट 3। पहले यहां से y और x को रिलेट कर लो, y क्या आ जाएगा यहां से रूट 3x, और यहां पे पुट करो जरा इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो x प्लस 40 ऊपर रूट 3 इधर, x प्लस 40 इक्वल टू रूट 3 y, y की वैल्यू रूट 3x, तो रूट 3 इंटू रूट 3 वुड बी 3x, हेंस 3x इज इक्वल टू x प्लस 40, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करो x इज इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 तो ये आ जाएंगे yg 20 रूट 3। अब आपने x और y दोनों निकाल लिया, पूछिए सवाल में क्या था, सवाल पूछ रहा था y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 20 रूट 3 मीटर्स, मीटर्स, बस क्वेश्चन सॉल्व, समझा कि नहीं, इजी पीजी। आया अरुष, अरे छोड़ो भाई छोड़ो, चिल करो चिल करो, छोड़ो छोड़ो, इग्नोर करते हैं भाई कुछ बच्चों को, भैया केमिस्ट्री के लिए कुछ सजेस्ट करो, आपने क्या किया था, यार मैंने अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़े थे बस, और एनटीए और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना यार, चिल करो चिल करो, तुम फर्क तुम्हारे, तुम छोड़ो यार, सर इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं इससे तुम्हें फिगर बनाना सिखा रहा हूँ, तुमने देख लिया जब फिगर बन गई उसके बाद कुछ नहीं बच रहा सवाल में, अब मैं बस एग्जाम्पल्स 6-7 हैं उनका तो मैं फिगर के साथ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस में जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है सिर्फ फिगर बनवा के छोड़ दूंगा, सॉल्व करते रहना, इजी पीजी हो जाएगा उसके बाद, ठीक है।
नमस्ते जी, नमस्ते हृदय जी, नमस्ते नमस्ते। हाउ टू जॉइन अ टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के लिए इस लिंक को खोलो यार, इस लिंक को खोलोगे सब मिल जाएगा, और इसको खोलोगे तो इसमें तो सभी लिखा हुआ है, कोर्स का ट्रैकर, यूट्यूब की प्लेलिस्ट, अनअकैडमी की प्रोफाइल, सब है इसमें। ठीक है, सील करो। आज रात को क्विज होगा क्या आरुष? रात को क्विज नहीं होगा यार, रात को हाँ मतलब क्विज उस रिस्पेक्ट में होगा, क्वेश्चन होंगे, टू बी के सवाल होंगे, वही टू बी की त्रिको की टू बी। ठीक है मनराज, ये वाले दोबारा समझाओ। मनराज ये वाला समझ आया कि नहीं? मनराज हाँ ना बोलो। इस वाले सवाल की बात करो, एग्जाम्पल फाइव की, जल्दी बोलो, और भी करने सवाल यार। इसमें क्या बोला है, शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड, टावर खड़े जमीन पे, इसकी शैडो 40 मीटर लंबी है, जब ऑल्टीट्यूड था 30 डिग्री, सन की वजह से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या सन की वजह से एंगल, ये मान लो यहाँ पे पड़ा था तुम्हारा सन, इस सन के साथ इस शैडो ने, ये शैडो पड़ी इसके ऊपर, सन के ऊपर, इस बिल्डिंग, इस टावर के ऊपर, यहाँ पे सन की धूप आएगी है ना, अब आगे कितनी जाएगी, इस लाइन से सीधा 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 यहाँ तक, इसके बाद जो अगली रे आएगी लाइट की वो यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे, इसका मतलब ये सारा का सारा अंधेरे में रहेगा, अंधेरे में कितना रहेगा, एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 क्यों, क्योंकि ये 40 मीटर लंबी है जब 30 डिग्री एंगल था, बाद में तुम्हारे सन महाराज पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ पे इसकी सीधी लाइन यहाँ पे, बाद में सन महाराज पहुंच गए यहाँ पे, तो इन्होंने शैडो यहाँ तक दी, ये रही शैडो, इसको बोला एक्स, और बाद में अगली रे ऑफ लाइट यहाँ तक आ गई, यहाँ पे लाइट गिर रही है, समझे, इसकी शैडो हो गई एक्स, अब ये वाली 40 लंबी है बस, उसके बाद ये वाली फिगर बन गई, इस फिगर के बाद वाले स्टेप समझ आ गए। ए के सिंह मुझे यार पता नहीं है कौन सी बुक है यार, रत्नेश चलो ठीक है आगे करते हैं। गेम्स आर फन, क्या बोल रहे हो भाई, हाउ टू रिमेंबर इनऑर्गेनिक, प्रैक्टिस यार प्रैक्टिस, क्वेश्चन करने पड़ेंगे बार बार। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टॉल मीटर ऑफ अ टॉल 8 मीटर बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 एंड 45। इस फिगर को भूल जाओ, ध्यान से सोचो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ दिस बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस, मतलब एक बड़ी बिल्डिंग है जहां से दोनों के, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग मानो ये खड़ी है जमीन पे, इसके टॉप और इसके बॉटम के लिए किसी जगह से, कहां से, टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाली चीज भी और ये वाली चीज भी उसके लिए नीचे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी नीचे वाली चीज के लाते ना, तो पहले अज्यूम करो कि ये जो सामने वाली बिल्डिंग है जिसकी बात हो रही है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, इसके टॉप से जो ये टॉप है ये भी है नीचे और ये भी है नीचे, करेक्ट और नॉट। अब इसके टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 30, इसके टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के लिए एंगल, ये आ रहा है 30 और ये आ रहा है 45, टोटल हॉरिजॉन्टल से लेके यहां तक ये लिखा है। अब अगर ये 45 तो ये 45, ये 30 तो ये 30, ये देखो बस ये फिगर और प्यारी बना दी इन्होंने, समझ रहे हो कि नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन है, तुम उल्टा समझ जाओगे अगर तुम वर्टिकल से लोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन को, ये हॉरिजॉन्टल से लेना होता है, बार बार बता चुका हूं बस। अब अगर ये 30, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस 30 इज इक्वल टू दिस 30, एंड दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, दिस 45 इज इक्वल टू अलोंग दिस ट्रांसवर्सल एपी, दिस इज इक्वल टू 45, खत्म। अब क्या गिवन है, ये वाली है 8 मीटर, दिस इज 8, बस ये 8 तो ये 8, क्या ढूंढना है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो इसको मान लो x, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी x प्लस 8, पूरी की पूरी बड़ी बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी x प्लस 8, एंड ये है y, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, इसको बोल दो y, तो ये भी y, पैरेलल लाइंस हैं, करेक्ट और नॉट, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना 90 90, ऑपोजिट साइड इक्वल, समझ गए, ये y तो ये y, बस अब कुछ बचा ही नहीं इस छोटे ट्रायंगल में और इस ए पी सी में, ए पी सी और बी पी डी,
इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये राइट एंगल है, तो x प्लस 8 इक्वल टू, ये एपीसी के लिए लगा रहा हूँ, x प्लस 8 इज इक्वल टू y, और बीपीडीजी, बीपीडीजी में क्या होगा, बीपीडीजी आपको कह रहे हैं कि tan 30 लगाइए और x और y को रिलेट कर दीजिए। tan का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इसमें, हद से ज़्यादा, ये हो गया 1/√3, y इक्वल टू x रूट थ्री, ये हो जाएगा x रूट थ्री, तो x इंटू रूट थ्री माइनस वन, ये x को इधर ले जाओ, इक्वल टू 8, रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर में लेके जाने के बाद, तो जाएगा x इज इक्वल टू 8 बाय रूट थ्री माइनस वन इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 4, 8 बाय टू 4 होता है ना, x की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स 1 प्लस रूट थ्री, और y क्या होता है, x रूट थ्री, बस इस पूरे के पूरे में रूट थ्री मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स 3 प्लस रूट थ्री, समझे कि नहीं, फिगर बनानी मुश्किल थी, फिगर के बाद कुछ मुश्किल लगा, वेनिस एनटीएसी में, एनटीएसी तो 12-13 दिसंबर, यार केमिस्ट्री के लिए तुम पियर्सन पढ़ सकते हो यार, आरुष जा रहे हो, ओके कूल, हाय अभिजीत, ओंकार, वेन फॉर्म फिल, आई डोंट नो, आस्क योर स्कूल्स, टेलीग्राम ज्वाइन हो गया सर, डिस्कस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा यार, आना चाहिए, वरना तो ये वैसे ऑप्शन है ही है, t.me/iitdas01, ये है डिस्कशन वाला ग्रुप, ये ज्वाइन कर लो, मुश्किल है वैसे, ये डायरेक्टली इसे लिंक दिया यार, डिस्कशन वाले ग्रुप का लिंक है ये, t.me/iitdas01, देख लेना, KP वगैरह थी, हाँ यार मैंने क्लास 12 में स्टेज 1 किया था। अगला सवाल करें, इस सवाल के बाद मेरे को एक्सरसाइज करके भागना है। हाय विवेक गर्जे, हाय सैलडी, सैलडी पता नहीं क्या होता है सैलडी, हाय विवेक, हाय हाय हाय, ठीक है सबको समझ आ गया, तो किसी को डाउट है तो बता दो, वरना CY बोलो, लास्ट सवाल प्रॉपरली प्यार से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद फिगर बनवा के भाग जाऊंगा, जल्दी बोलो, आपकी क्लास है क्या, हाँ यार बहुत कम रहता है कॉलेज का, मेरा 2 हफ्ते का बैकलॉग पड़ा हुआ है, वैसे भी क्लास 2 से 3 ही थी, तुम्हारी आगे क्लास होती 3 बजे, आगे सबको CY लिख दो, जिसको समझ आ गया, नहीं आया तो डाउट पूछ लो, डाउट लिख लो, बैकलॉग्स अ लॉट ऑफ स्टफ, CY कूल, चलो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, एक रिवर के ऊपर एक ब्रिज बन रखा है, उस ब्रिज पे है एक पॉइंट, ब्रिज अक्रॉस का रिवर मतलब रिवर के ऊपर ये रिवर बह रही है, इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज पे एक पॉइंट है P, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर दिस एंड दिस, ओके इफ द ब्रिज इज ऑफ द हाइट 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, बताइए रिवर की विड्थ, ओके ये रिवर बह रही है, ये ब्रिज उसके ऊपर है, इस पॉइंट से एक एंड का और दूसरे एंड का डिप्रेशन एंगल है 30 और 45, अब अगर ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये 45, करेक्ट और नॉट, पैरेलल लाइंस, बिल्कुल रिवर के पैरेलल बना होगा ब्रिज, तो अलोंग दिस ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 30 और 30 पैरेलल हो गए, और हाइट दोनों में कॉमन है 3, बस हो गया सवाल, यहाँ पे लगाओ tan 30 1/√3 इक्वल टू 3/x, ये हो जाएगा 3√3, और ये 45 ये 90 तो ये भी 45, दिस इज इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा 3, आंसर हो गया 3+3√3, खत्म, ओरल पोरल क्वेश्चंस, समझ गए, फिगर बनाना मुश्किल है बस, इसलिए फिगर बनवा रहा हूँ, बढ़िया ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब आगे सवाल, सिर्फ और सिर्फ हम सवाल के लिए इक्वेशन बनाएंगे और फिगर बनाएंगे, उसके बाद तुम अपने आप कर लेना, 7 सवाल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, अब तुम अपने आप कर सकते हो, इतना तुम समझ गए हो, अब देखो, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड,
वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ये रहा पोल, इससे ये एक रोप यहां तक टंगी हुई है, ये टाइट रोप है, दिस इज टाइट रोप. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. इस रोप ने जमीन से 30 डिग्री एंगल बना रखा है, रोप की लेंथ है 20, हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 20, तो जरा हाइट ऑफ पोल बता दीजिए. इसको और इसको रिलेट करना है यूजिंग 30. तो साइन क्या होता है, सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू हाइट ऑफ पोल h मान लो इसको अपॉन 20, ये होता है हाफ, h आ गया 10, 2 to 10. ठीक है जी. ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ द बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट. मान लो ये पहले बड़ा सा पेड़ था, ठीक है, यहां से टूट गया, यहां से टूटने के बाद ये नीचे गिर गया और ये पार्ट ऐसा हो गया, ठीक है. अब इन्होंने बोला कि जो टूटा हुआ पार्ट है, ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री, ये टॉप ऑफ द ट्री जो पहले यहां पे था ये टूट के यहां पे आ गया, ये जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है. दिस इज 30 डिग्री, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन है, अज्यूम कर लो मैं रफ स्केचिंग कर रहा हूं, मेरे पास प्रॉपर पेन पेंसिल नहीं है. तो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. ये बॉटम ऑफ ट्री से टॉप ऑफ ट्री का डिस्टेंस है 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री क्या थी, हाइट ऑफ द ट्री थी ये वाली और ये वाली, ये वाली टूट के अब ये बन चुकी है. इसका मतलब आपको 30 से और 8 से इसका और इसका वैल्यू निकालना है एंड उन दोनों को ऐड कर देना है ताकि आपके ट्री की हाइट मिल जाए. इसको बोलो H1, इसको बोलो H2, तो H2 बराबर H2, हाइट इज इक्वल टू H1 प्लस H2. तो पहले साइन 30 लगाओ, वो बोलेगा H1 अपॉन H2 इक्वल टू हाफ, करेक्ट. तो H1 इक्वल टू 2H1 इक्वल टू H2. सही. तो अगर मैंने H1 की वैल्यू निकाल ली तो ये H क्या हो जाएगा, H2 की वैल्यू 2H1 रख दो, 3H1 हो जाएगा. इसको रखो 2H1 हो जाएगा 3H1. टोटल हाइट है 3H1. अब H1 और 8 को कैसे रिलेट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से यूजिंग tan तोआ ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू H1 अपॉन 8. H1 क्या हो जाएगा 8/√3. H1 हो गया 8/√3, इसको पुट करो यहाँ पे, H इज इक्वल टू 8/√3 इंटू 3, तो कैंसिल होके ये हो जाएगा 8√3. ये 3 हो जाएगा ना, 3 को बोल सकते हैं √3 × √3, एक रूट थ्री कट गया तो ये हो जाएगा 8√3 meters. दिस इज द आंसर. सही. NTSC में सोशल साइंसेस कैसे करी यार, NCERT से ही बार बार रिवाइज करके सर ने रट्टा मार के की थी. हाँ वही तो, बच्चे NTSC की तरह 9 से क्लास कर रहे थे तो हम 2 महीने में क्या क्रैक हो पाएगा भाई. मेरा भी 10th में ही हुआ था, मतलब मेरे को मैंने 1 साल में किया, 2 महीने में क्या पता ट्राई करके हो जाए, मतलब उम्मीद क्यों छोड़ रहे हो. हाँ 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 एग्जैक्टली यही बोला दिव्यांशु ने भी, तुम्हारी स्टेट में इजी पीजी क्वेश्चन आते हैं ओरल पोरल तो तुम्हारा 2 महीने में भी हो सकता है. स्टेट की बात है, दिल्ली में नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, बाकी स्टेट्स में तो हो सकता है 2 महीने में. और कुछ नहीं, जेई की तैयारी कर लो यार, या फिर नीट की तैयारी कर लो. बेसिक फाउंडेशन तो बिल्ड हो ही रहे हैं, जेई फाउंडेशन इतना तो पढ़ाते ही हैं. यहाँ पे NCERT पढ़ा रहा हूँ ताकि बोर्ड्स क्लियर हो जाए, अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे ID फाउंडेशन इतना पढ़ाता हूँ ताकि आगे जेई में हेल्प हो. तो इफेक्टिवली नुकसान किसी पड़ी हुई चीज़ का नहीं है, सब कुछ पढ़ लो, ठीक है. अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5. कुछ भी टाइम पास हो रहा है अभी यहाँ पे, काम की चीज नहीं आई. अ स्लाइड हूज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ग्राउंड, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस. ओके, ये देखो, हाइट 1.5, एंगल 30, हाइट 3, एंगल 60. लेंथ ऑफ स्लाइड पूछी है, इसको और इसकी वैल्यू निकाल दो. कैसे निकालोगे, सो यूज करके ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज.
ये 30 डिग्री एट एंगल पे अगर इंक्लाइंड है तो स्लाइड ग्राउंड से स्लाइड 30 डिग्री ऐसे ही बनाएगा ना, ये वाला जो एंगल होगा बस। तो सो लगाओ साइन 30 इक्वल टू हाफ अपॉन एल वन बोल दो, इसको छोटे वाली को बोलो एल एस, चलो एल एस, तो एल एस इज इक्वल टू 3 एंड इसको बोलो एल एल या एल ई एल्डर वालों के लिए, तो एल ई 3 अपॉन एल ई इक्वल टू साइन 60 इज रूट 3 बाय 2, तो एल ई हो जाएगा ये 3 रूट 3, एल ई हो जाएगा 2 रूट 3 बस। मीटर मीटर यूनिट लगाना मत भूलना, हम यूनिट लगाने के मार्क्स कटते हैं यहाँ पे यूनिट ना लगाने के। दिस इज विश्वेश, ओके हाय विश्वेश, व्हाट्सअप यार, काफी टाइम बाद है। हिमाचल स्टेट को बताओ कुछ, हिमाचल बहुत ईजी है यार, हिमाचल ऐसी स्टेट है जहाँ से 2 महीने में हो जाएगा पक्का, थोड़ा एफर्ट मारोगे 2 महीने में हिमाचल से निकाल सकते हो, 2 महीने में उत्तराखंड से निकाल सकते हो, ठीक है। बिहार का थोड़ा टफ सुना यार मैंने यहाँ के बच्चों से ही, मतलब मेरे को तो पता नहीं, मैं तो नॉर्थ का हूँ। अगला सवाल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एक पॉइंट है जमीन पे जिसको टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बताया जा रहा है 30 डिग्री, एक्स्ट्रा इन्फो दी जा रही है कि 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर है, तो ये भी 30 मीटर है, ये है 30 मीटर, पूछा जा रहा है हाइट ऑफ टावर बताइए। अरे सिंपल टैन 30 लगाइए, दिस अपॉन दिस पाइए, तो 1 बाय रूट 3 टैन 30 इक्वल टू एच अपॉन 30, दिस बाय दिस ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट एच आ जाएगा 30 रूट 3। ईजी पीजी क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर में, कुछ नहीं है, फिगर बनाना सीख लो बस, इंग्लिश को मैथ्स में बनाना सीख जाओगे तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं। हाँ यार एक महीना मतलब एक साल मेहनत की थी मैंने तभी हराना से क्लियर हुआ था, वरना जो 9 से कर रहे थे उनका तो पक्का से हो नहीं था, ठीक है। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ओके। स्ट्रिंग अटैच्ड टू काइट इज टेंपरेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, ये रही तुम्हारी काइट, काइट एक धागे से जुड़ी है जो कि जमीन पर बांध रखा है, काइट की हाइट है 60 मीटर्स हाइट है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एंड इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। क्या ढूंढना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये रहा, इसकी लेंथ बता दो, एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक, स्लैक मतलब लूज नहीं है, बिल्कुल सीधी की सीधी है, ऐसे ऊपर नीचे जैसे वैसे उड़ाते हैं हवा में, धागा टेढ़ा जाता है हमेशा, मतलब कर्ल होता हुआ जाता है, पर हम बिल्कुल सीधा मानेंगे, एज्यूम किया जा रहा है यहाँ पे। तो क्या बताना है, ऑपोजिट गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, अगेन साइन का फंडा, साइन 30 साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज 60 ओवर एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान लो एल, तो कितना हो जाएगा 20 रूट 3, एल हो जाएगा 40 रूट 3 मीटर्स, यूनिट मत लगाना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे। एनसीईआरटी से करा रहे हो इसलिए इजी, तो रत्नेश जी यूएससी पे आओ, यूएससी पे हार्ड भी कर लेंगे कल हमने, वो ट्रिग्नोमेट्री में कम से, ट्रिग्नोमेट्री वो चैप्टर है जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद सबसे ज्यादा 11th वाला पढ़ा है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूएससी पे अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे 11th का भर भर के पढ़ा हमने, जितना रिक्वायर्ड है तुम्हारे लिए, जीपी पढ़ा है हमने ट्रिग्नोमेट्री में 11th की, वो 360 डिग्री वाली पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जितना रिक्वायर्ड है उतना कर लेते हैं। बचपन से टीचर बनना चाहते थे, नहीं मतलब ऐसे ही मेरा मन कर रहा था, आजकल मैं फ्री बैठा था, मैं बन गया टीचर, मैं कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ा देते हैं मजा आएगा, ठीक है। यूएससी पे आया करो, हाय सानवी ठाकुर व्हाट्सअप, पहली बार सुन रहा हूँ यार नाम, या फिर एक बार पहले भी सुना हुआ है। अगला देखो, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है 30 मीटर की, इसके सामने एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये वाला एंगल पहले है 30 डिग्री, फिर वो थोड़ा डिस्टेंस आगे बढ़ा, वो आया यहाँ पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बढ़ गया, 30 डिग्री और बढ़ गया और ये हो गया 60 डिग्री। अब उनका प्रश्न है कि ये वाला डिस्टेंस बताइए कितना है, अच्छा सवाल है थोड़ा सा देखा जाए तो, बट फिगर से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ये 1.5 तो ये भी 1.5
बिल्कुल पैरेलल, फिर अप कर देता हूँ इसको, ये भी 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 28.5, करेक्ट 28.5, और ये 60 से क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ कि नहीं, ये कितना आ जाएगा tan 60 root 3 equal to 28.5 upon y, बोल दो इसको चाहे 28.5 upon y, तो y कितना हो जाएगा 28.5 upon root 3, करेक्ट, इसको बोलो x, तो ये तुम्हारे प्रिय इस ट्राइंगल में, ये इस ट्राइंगल में, यार ये मतलब थोड़ा सा ना लैग दे रहा है ये पेन टैब, इस वजह से मैं ट्राइंगल इंडिकेट नहीं कर पा रहा, मैं साइड्स बता देता हूँ, इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी, ट्राइंगल ए बी सी में इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में वापस लगाओ टैन, तो टैन 30 मतलब 1/√3 इक्वल टू 28.5 अगेन अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बेस एक्स प्लस वाई है, यहाँ से क्या जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट 3, आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको रिक्वायर्ड है x, y हमने निकाल रखा है, y को पुट करो x पाओ, x क्या हो जाएगा 28.5 इंटू रूट 3 माइनस y विच इज 28.5 अपॉन रूट 3, तो 28.5 ले लो कॉमन, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1/√3, 28.5 रूट 3 ये वाला और ये माइनस 1/√3 ये वाला y वाला, इसको रैशनलाइज करो कितना आएगा 3 इंटू 3 मतलब एलसीएम ले लो रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा इसका ट्वाइस माने कि 57 अपॉन रूट 3, करेक्ट, या फिर इसको बोलो 19 रूट 3, एक ही बात है 19 थ्रीजा होता है, तो 19 थ्रीजा में एक रूट 3 ऊपर वाले से कट गया, ऊपर का 3 बन गया रूट 3, 19 रूट 3 मीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस उसने वॉक कितना किया यहां से लेके यहां तक, एक्स ही वॉक किया ना, समझे कि नहीं समझे, हाँ ना, फिगर बनानी मुश्किल थी उसके बाद तो कुछ नहीं था। गुरशरण आई एम 19 यार, मैड लेवल ओके है, माई जस्ट 19, हमें आपसे पढ़ने में मजा आता है और आपको पढ़ाने में, चिल है। यूएससी पे एचपी भी करा दिया क्या, एचपी की डेफिनेशन कराई थी, एचपी की डेफिनेशन कराई थी और एक दो क्वेश्चन कराए थे, एचपी जितना बता दिया बस, जितना रिक्वायर्ड है तुम्हारे लिए। हाँ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वगैरह कर चुके हैं मानस घोष, यूएससी पे पढ़ाया था, ठीक है आगे बढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ आवर ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके काफी सारी पैरामीटर्स आ गए। पहले तो एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ये पूरा का पूरा है 20 मीटर, इसके टॉप पे रखा हुआ है एक टार, इसको बोल रहे हैं ट्रांसमिशन टार, जमीन पे एक पॉइंट है, अब आफ्टर ऑल ये बिल्डिंग तो जमीन पे खड़ी रही होगी, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टार इज 45, इस बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45, हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देखना पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर 45 देखना पड़ रहा है ताकि बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टार दिख जाए, एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टार के लिए आपको देखना पड़ रहा है 60 डिग्रीज, लिखा हुआ है ऐसा। हाइट ऑफ द टार बतानी है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टार मतलब इसको निकालना है, इसको बोल दो y, इसको बोल दो x, सीधी सी बात है इस ट्राइंगल में दिस एंड दिस a b c, ये 45 तो ये 45 क्योंकि बिल्डिंग तो परपेंडिकुलर ही खड़ी होती है, ये 45 ये 45 दोनों साइड बराबर, तो ये 20 तो ये भी x इज इक्वल टू 20। अब सवाल हो गया सिंपल सॉर्टेड, अगर ये 20 निकल गया तो इस ट्राइंगल में P B C में ये एंगल 60 ये 20 y प्लस 20 निकालना है, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू y प्लस 20 अपॉन 20, ये हो जाएगा रूट 3, तो y क्या हो जाएगा 20 इंटू रूट 3 माइनस 1, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर दैट यू वॉन्ट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बस यार एक बार फिगर बनाना सीख लो, यहाँ पे तुम फंस जाते इंग्लिश में अगर तुम्हें 20 मीटर हाई बिल्डिंग ना समझते, अगर तुम ये बिल्डिंग को ना देखते और ये टार इसके ऊपर ना बना पाते तो तुम्हें सवाल ही ना समझ आता, बस इंग्लिश समझने की कोशिश करो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है।
जीपीएसपी थोड़ा बहुत आ सकता है, गीता राव, हाय गीता राव, थोड़ा बहुत आ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। अगला, अ स्टैचू 1.6 meter टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज दिस एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज दिस। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सिंपल सेम सेम सवाल है भाई, अब बस फर्क ये आ गया, ध्यान से समझने की कोशिश करो, सेम यही वाली फिगर बनेगी। इसको बोल दो पेडेस्टल, इसको बोल दो स्टैचू। देखो मैं कितना एफर्ट बचा रहा हूँ, मैं सेम फिगर के अंदर कर रहा हूँ इरेजर यूज करके। स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर टॉल, ये है 1.6 मीटर और ये खड़ी हुई है एक पेडेस्टल पे। इसी पॉइंट से, एक पॉइंट से जमीन पे, जमीन पेडेस्टल के बिल्कुल साथ ही होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60, ये रहा 60 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप तो यही हुआ ना, बॉटम ऑफ स्टैचू बोल लो या टॉप ऑफ पेडेस्टल बोल लो, पॉइंट यही हुआ, दिस इज 45। अब क्या ढूंढना है, ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल ढूंढना है। पहले ये गिवन था, ये निकाला, अब ये गिवन है, ये निकाल लो, कोई बात नहीं। इसको बोल दो x, इसको बोल दो y, बोलोगे इसको, ये भी होगा x, क्योंकि ए बी सी में ये एंगल है 45, तो ये भी 45, hence this is equal to this, तो अगर ये x तो ये भी x। बस अब बड़े वाले ट्रायंगल में पी बी सी में लगाइए tan 60, tan 60 बोलेगा आई एम रूट 3 बट आई एम ऑल्सो इक्वल टू पी सी अपॉन बी सी, पी सी इज x प्लस 1.6, x प्लस 1.6 अपॉन x। बस अब ये क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 x इज इक्वल टू 1.6, ये x गया यहाँ पे, रूट 3 x माइनस x, तो रूट 3 माइनस 1 इंटू x इक्वल टू 1.6, x क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रैशनलाइज करो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, इसको बोल देना पॉइंट 8। बस आ गया x की वैल्यू, यही चाहिए थी हाइट ऑफ पेडेस्टल, x ही है, हो गया सॉल्व। सेम फिगर में दो दो क्वेश्चंस निकाल दिया हमने, मतलब मेन चीज क्या है, फिगर बनाना, कॉन्सेप्ट समझना, करेक्ट, कोई बात नहीं। अरे पांच बच्चों में से दो का भी क्लियर हो जाए एनटीएससी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को इतने चाहिए बस, व्यूज वगैरह सेकेंडरी चीजें हैं। यू बिलोंग टू विच, हरियाणवी सिटी, आई बिलोंग टू अम्बाला यार, इट्स ऑलमोस्ट चंडीगढ़ बट ओके, सिंस आई बिलोंग टू हरियाणा आई हैव टू कॉल इट हरियाणा, राइट। हाइट एंड डिस्टेंसेस, थ्री डी क्वेश्चन कम, आप और बीजे सर एक सर लाइव में आया करो, वो अभी 3 बजे आते हैं क्या, चलिए मेरा तो खत्म हो गया, मैंने कितने क्वेश्चन कराने, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अच्छा ठीक है, तो मैंने कितने सवाल कराने हैं और 8 करा दिए, 8 और कराने हैं, जल्दी से मैं 8 क्वेश्चन की फिगर बनवा देता हूँ, फिर तुम बीजे सर की क्लास में भाग जाना, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। हाय माही बामनिया, काफी दिनों बाद आए, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू क्रैक एनटीएससी, रुक जाओ स्पैम मत करना, सक्सेसफुल जेन्युइन लर्निंग, हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम्स यार, तुम जाके 2 अक्टूबर की बापू का बर्थडे देख लो, बापू का बर्थडे हमारी एक स्पेशल क्लास थी, बापू का बर्थडे स्पेशल क्लास, उसमें पूरी की पूरी एनटीएससी की स्ट्रेटजी डिस्कस की हमने, और कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। ओबी प्लस पॉइंट की एनटीएससी के लिए, वाह भाई वाह, कोई बात नहीं, खत्म करते हैं इसको। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टार, एक टार है और एक बिल्डिंग है, देखना पड़ेगा कौन बड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टार इज 30 डिग्री, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टार फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, मतलब कि ये ज्यादा ऊंचा रहा होगा, ये देखो ना 30 डिग्री छोटू होता है, 30 डिग्री होता है छोटू, 60 डिग्री होता है बड़ू एंगल, समझ रहे हो। अगर ऐसा सा सीन बन रहा है कि ये 30 डिग्री छोटू और ये 60 डिग्री बड़ू, तो बड़ा क्या रहा होगा, टॉप ऑफ द टार के लिए 60 डिग्री है, तो ये टार हो गया, ये बिल्डिंग हो गई, समझे कि नहीं, और ढंग से बनाता हूँ इसको, ये 60, ये बड़ू और ये 30, ये 30, ये 60, तो ये बड़ू हो गया, बड़ू किसके लिए हो रहा है, टार के लिए, फुट ऑफ द बिल्डिंग से
टॉप ऑफ द टावर के लिए 60 डिग्री, तो ये हो गया टावर। ओके, टावर की हाइट पता लग गई 50, तो बिल्डिंग की हाइट बताओ जरा कितनी है। मेन तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना था कि बड़ू कौन होगा छोटू कौन होगा। यहाँ पे तुम अपना लॉजिक यूज करोगे, 60 में टैन होता है रूट थ्री से बड़ा, टैन होता है वन से बड़ा, मतलब टैन होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, मतलब ऑपोजिट इज ग्रेटर देन एडजेसेंट, मतलब कि इस एंगल के लिए ये जो बेस है बेस से बड़ा होगा ऑपोजिट, ऑपोजिट बड़ा हो जाएगा। ऑल्सो 30 के लिए टैन इज लेस देन वन, टैन 30 लेस देन वन, यहाँ पे 60 लिख दो, टैन 30 लेस देन वन, इसका मतलब ऑपोजिट इज लेस देन एडजेसेंट, मतलब ये जो एडजेसेंट है बेस है, हाइट जो होगी वो इससे छोटी होगी, हाइट अगर छोटी हुई इसका मतलब वो होगा छोटू, तो बिल्डिंग हो गई छोटू। आगे समझ, अब ये 50 ये 60, तो बेस कितना हो जाएगा, दिस बाय दिस, तो टैन 60 इक्वल टू रूट 3 इक्वल टू 50 बाय बेस, तो बेस इज इक्वल टू 50 बाय रूट 3, करेक्ट। ऑल्सो इन दिस छोटू बिल्डिंग के लिए ये है बेस, बिल्डिंग की हाइट मान लो h, तो tan 30 इक्वल टू 1 बाय रूट 3 इक्वल टू h बाय b, b इज नथिंग बट 50 बाय रूट 3, इसको भेज दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h क्या हो जाएगा 50 बाय रूट 3 इंटू 1 बाय रूट 3 विच इज 50 बाय 3, हेंस बिल्डिंग की हाइट हो गई 50 बाय 3। आया कि नहीं समझ, माई एज इज 19 यार, थैंक्स आर सक्सेसफुल जिन, ओके मेरे को हैरान भी आती नहीं यार। भाई डायग्राम थोड़ा क्लियर बनाओ, ड्राइंग बहुत सुंदर है, हाँ यार ड्राइंग बहुत सुंदर है मेरी, मेरे को स्कूल में भी सी ग्रेड से ऊपर आज तक कभी नहीं मिला ड्राइंग में, कितनी खुशी से बता रहा हूँ मैं, देखो सी ग्रेड से एक ऊपर ग्रेड नहीं देती थी मेरी टीचर, सी भी मुश्किल से रो रो के लेता था कि मैम डी मत दो यार प्लीज, सी संभाल लूंगा डी मत दो, सिर्फ मेरा नहीं मेरे छोटे भाई का भी यही हाल है, हमें किसी को ड्राइंग नहीं आती। तो मेरी क्लासेस रहती है कोचिंग की, जब अपनी वाईटी चलती है तो अरे वाईटी ना करो एटलीस्ट यार, एटलीस्ट स्पेशल क्लासेस से लगाओ, यूएससी लगानी है रोज, यूएससी होती है रोज 8 से 9, यूएससी रोज होती है 8 से 9, यूएससी किसी कीमत में मिस नहीं कर सकते, यूएससी रोज लगानी पड़ेगी, मुझे डी मिलता है, सही है। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली इन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, कैनाल एक रिवर की तरह ही होता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, अच्छा ये कैनाल है मान लो, ये नदी बह रही है ऐसे वैसे, इसी ऑपोजिट बैंक पे एक पॉइंट है जहां से टॉप ऑफ द टावर के लिए एलिवेशन है 60, कैनाल के ऑपोजिट साइड पे एक पॉइंट से हाइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, हॉरिजॉन्टल से एंगल हो जाएगा 60, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30, दिस इज 30, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ को बोलो विड्थ, हाइट को बोलो हाइट, बस अब दो इक्वेशन लगा रही है, इक्वेशन बना के छोटा में सॉल्व करते रहना, tan 30 इक्वल टू हाइट बाय 20 प्लस विड्थ एंड tan 60 इज इक्वल टू हाइट बाय विड्थ, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ये इसकी वैल्यू रूट 3, इसकी वैल्यू 1 बाय रूट 3, दोनों को सॉल्व करो एच और डब्ल्यू पाओ, ठीक है, वही मैंने कहा फिगर बनानी जरूरी है बस, बाकी सब हलवा है। फ्रॉम टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा और बनाना पड़ेगा, 7 मीटर की बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है तुम्हारी, बिल्डिंग लिख लो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ये केबल टावर है, यहां से भी हॉरिजॉन्टल जो लिया, इस हॉरिजॉन्टल से ये टावर जी जो है, इन टावर जी के टॉप के लिए, ये टावर है आपका, टावर के टॉप के लिए यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60, एंड डिप्रेशन ऑफ फुट के लिए, फुट के लिए हॉरिजॉन्टल से जो यहीं से एंगल बन रहा है वो है 45, इसका मतलब आपको इसकी पूरी हाइट बतानी है, इसको बोलो h1, इसको बोलो h2, ये 45, तो ये भी 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 45 इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल,
तो 45 इक्वल इक्वल ये हो जाएगा 7, ये 7 तो ये 7 और ये 7 तो H2 इक्वल टू 7, ये 7 आ गया, ये 60 है, H1 निकल जाएगा, tan 60 इक्वल टू H1 बाय 7, ये हो जाएगा रूट 3 इक्वल टू H1 बाय 7, H1 इक्वल टू 7 रूट 3, तो H क्या हो जाएगा टोटल, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 विच इज 7 प्लस 7 रूट 3, ईजी पीजी, फिगर बनानी थी बस। एलिवेशन डिप्रेशन का मतलब फिजिकली समझ जाओ, बस एक बार ग्राफ बनाना सीख लो, फिगर बनाना। रेनू सिंह ये वाला चैप्टर जमता नहीं, ये वाला चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है यार, बिल्कुल हाई फाई तो पढ़ाया नहीं, बेसिक्स पढ़ लोगे तो हो जाएगा। अच्छा मेरी तरह सब कुछ चिल करके नहीं होता, ठीक है ठीक है भाई। एज मास्टर ब्लास्टर सचिन जी आपके इतना 45 ईयर्स का तो हूँ नहीं, मैं 19 का ही हूँ यार, मास्टर ब्लास्टर गॉड ऑफ क्रिकेट। विच ब्रांच वर यू इन फ्रॉम IIT दिल्ली? आई एम इन IIT दिल्ली एंड माई ब्रांच इज केमिकल इंजीनियरिंग। अलवा ओके, चाइल्ड लेबर देख पा रही, कौन सा चाइल्ड लेबर भाई, हम 19 ओके आई एम एन एडल्ट, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए। चलो आज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम दी सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। ओके ये है एक लाइट हाउस, इतना बड़ा, इसकी हाइट है 75, यहाँ से टॉप से दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 और 45। 45 वाला जैसे 30 और 60 बताया था वैसे ही 45 होगा थोड़ा पास, 30 होगा थोड़ा दूर, समझे? ये 45, ये 30, बिकॉज दिस 45 इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो 45 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये एंगल बड़ा ही होगा इन दोनों इससे, तो एटलीस्ट ये 45 है, बोला वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, मतलब ये वाली शिप इसी साइड पे है, ऐसा नहीं कि 45 इस तरफ और 30 इस तरफ, 45 और 30 एक ही साइड पे, हमने वही बनाया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ओके पहले आप इस 75 के थ्रू, पहले देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था, एक के लिए है 30, इसके लिए 30, तो ये हो गया 30, एक के लिए है 45, तो ये हो गया 45। अब इस ट्रायंगल में लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, ये 75 तो ये भी 75, ये हो जाएगा 75, समझ रहे हो ना, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल होंगी, तो 75 75, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में मान लो डिस्टेंस के बीच, दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, तो टैन 30 इज इक्वल टू 75 बाय 75 प्लस डी, टैन 30 हावर इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, बस डी क्या हो जाएगा 75 इंटू रूट 3 माइनस 1, हो गया, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में, ओरल पोरल इजी पीसी लेमन स्क्वीजी है भाई, डरना वरना नहीं है इनसे, ये चैप्टर बड़ी क्लास में आता है, नहीं नहीं टेंथ में ही आता है भाई चल मारो। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द हिंट, ओके टाला डाला ला, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना है, अच्छा एंगल ऑफ एट एनी इंस्टेंट इज 60, ओके पहले एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60, बाद में हो गया 30, बलून जी ने ट्रैवल कितना किया डिस्टेंस ये बताइए, कोई बात नहीं, हाइट कितनी बताइए, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड है 88.2 मीटर, लड़की है 1.2 मीटर की, लड़की है 1.2 मीटर की, ये है जमीन से 88.2, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो लड़की की आंखों से बनेगा, तो लड़की की आंखों पे हॉरिजॉन्टल बनाओ, तो एंगल लड़की की आंखों के हिसाब से ही हाइट मेजर करो, ये 88.2, ये है 1.2, तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस विच इज 87 मीटर, बस अब ये निकाल लो पहले 60 डिग्री के लिए कितना डिस्टेंस है, tan 60 इक्वल टू रूट 3 87 अपॉन a, मान लो a डिस्टेंस पहले ट्रैवल किया था और बाद में उसका डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल b, हमें चाहिए b माइनस a, तो रूट 3 इक्वल टू 87 बाय a, एंड सिमिलरली 1 बाय रूट 3 माने कि tan 30 इज इक्वल टू 87 अपॉन b, तो b हो जाएगा 87 रूट 3 और a हो जाएगा 87 बाय रूट 3, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 87 रूट 3 माइनस 87 बाय रूट 3, डिफरेंस कितना हो जाएगा 87 रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3,
तो ये हो जाएगा 87 इंटू 2 बाय रूट 3, करेक्ट। इसको काट के 29 रूट 3 भी लिख सकते हो, तो हो जाएगा 58 रूट 3, ठीक है जी। बाकी चार सिंपल सवाल और हैं, 15, 16, 17, 18, वो भी करा दूं जल्दी से या खुद कर लोगे? ओपी बोलते सर जी, ओपी, हाँ हाँ रे, चिल चिल चिल, अंजलि कुछ नहीं हुआ भाई, शांति, करा दूं ना, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ तो ये चार सवाल जल्दी से देख लो। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ओके। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है, इस पे एक बंदा खड़ा है टॉप पे, इसको एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है 30, ओके। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है 30, मतलब हॉरिजॉन्टल से ये है 30, तो ये है 30। बाद में 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60, 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60, ये 60 तो ये भी 60, कितने टाइम में हुआ? 6 सेकंड में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, या टाइम कितना, टाइम मांगा ना इसने, टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट, सही कि नहीं? तो ये डिस्टेंस मान लो कुछ, और कौन से पैरामीटर मिसिंग है इसमें? विद यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है। यहां से तुम्हें टाइम निकालना है, इसकी स्पीड एक्चुअली गिवन क्यों नहीं है यार? स्पीड गिवन होती तो आंसर आ जाता, बट कोई बात नहीं, ऐसे ट्राई करके देखते हैं। हाइट ऑफ द टावर तो कंसिस्टेंट ही रहेगी, तो इस बंदे ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बाय, ये डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, इस पूरे को बोलो एक्स, एच बाय एक्स इज इक्वल टू टैन 30 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 एंड एच बाय एक्स माइनस वाई है टैन 60 विच इज 1 बाय विच इज रूट 3 टैन 60, ठीक है। तुम्हें निकालना है y, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये कितना बैठेगा, x माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 3। यहां से तुम x और y को रिलेट करो, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पैरामीटर की कमी है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, नहीं मिसिंग, हाँ यार मेरे को जाना है, अंजलि गेमिंग का बादशाह है यार ये, सैड की तैयारी नहीं कराता यार मैं, ठीक है। यहाँ से x और y रिलेट हो जाएगा तुम्हारा, x इज इक्वल टू 3x माइनस 3y, तो 3y इक्वल टू 2x। अब इसको रिलेट करो, ये हो जाएगा 3y बाय 2, 3y बाय 2, हाँ ठीक है। tan 60 कितना है, एच बाय 3y बाय 2, ये है रूट 3, करेक्ट, एच हो जाएगा 3 रूट 3 वाई बाय 2। यार अब यहां से तुम्हें एक्चुअली ना वाई को टाइम से रिलेट करना है, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड्स, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड्स, तो तुम्हें या तो स्पीड चाहिए, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से, सॉरी 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 सॉरी, मिल गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसने, अरे सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता, मैं दिमाग कहीं और था। तो देखो एच आ गया और ये एक्स और वाई के बीच में रिलेशन भी आ गया, बस एक्स और वाई के रिलेशन चाहिए था, उससे हो गया 2x इज इक्वल टू 3y। अब देखो y क्या है, डिस्टेंस, समझे, y डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड्स,
अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मान लो x ट्रैवल करना था, x के लिए टाइम कितना लगेगा, दोनों के लिए स्पीड बराबर होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड यूनिफॉर्म ही चल रही है। तो पहले डिस्टेंस था y, y डिस्टेंस के लिए टाइम लगा 6, वही अब डिस्टेंस अगर हो गया x, तो अब टाइम कितना लगेगा पता नहीं, तो ये टाइम हो जाएगा, इसको इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, x बाय वाई इंटू सिक्स, करेक्ट। x बाय वाई कितना हो जाएगा, यहां पे कितना निकल रहा है, x बाय वाई इज इक्वल टू 3/2, इस 3/2 को यहां पे पुट कर दो, तो t हो गया 9। टोटल टाइम यहां से यहां जाने में है 9 seconds, यहां से यहां आने में है 6 seconds, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, 3 seconds। इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 seconds। मेरा स्टीव स्मिथ वाला ब्रेन फेड हो गया था, बट अब सवाल हो गया, ठीक है, चिल है। चिल है, अब तो आंसर 3 सेकेंड हो गया, सॉल्व करना आ गया ना, चिल है। ये इक्वेशन फिर भी बहुत जरूरी थी, मैंने हवा में ऐसे निकाल दी, पर बाद में इसकी रेलेवेंस समझ आई, स्पीड यूनिफॉर्म है इसीलिए, यूनिफॉर्म स्पीड के कॉन्सेप्ट को यूज करो एंड आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अगला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9 एंड इन दी सेम स्ट्रेट लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज दिस। देखो, एक टावर की हाइट है ये, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, एक एंगल है अल्फा, तो दूसरा है 90 minus alpha, इन्होंने दिए हैं, दोनों एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री, समझे। एक डिस्टेंस है 4, एक डिस्टेंस है 9, हाइट ऑफ द टावर पता नहीं कितनी है, पर tan अल्फा कितना आएगा, h बाय 4 एंड tan 90 minus alpha, tan ऑफ 90 minus alpha आएगा h बाय 9। tan ऑफ 90 माइनस अल्फा क्या होता है, cot अल्फा, tan अल्फा इंटू cot अल्फा क्या होता है, 1, तो 1 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, h बाय 4 इंटू h बाय 9, मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, हाइट इज अ पॉजिटिव नंबर तो हाइट भी हो जाएगी 6, हो गया इजी पीजी प्रूफ, सारे हो गए, अच्छा 16 ही थे, अच्छा सारे हो गए, मेरे को लगा दो और बड़े हैं, ये तो सारे हो गए, ठीक है, हो गए सारे, मेरे को लगा 18 हैं, बड़े आगे रात को मिले 8 बजे, रात को मिलते हैं फिर यूएससी में, ट्रिग्नोमेट्री रैप अप कर देंगे कल, ट्रिग्नोमेट्री की नहीं, कल सैम्पल पेपर्स, परसों ट्रिग्नोमेट्री की मेंटी एंड उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म, ठीक है। अरे मेरे को पता ही नहीं चला यार, खत्म हो गया, सॉरी, मेरे को लगा 18 क्वेश्चन है, ठीक है, चले 3:26 हो गए, रैप अप करते हैं, ठीक है, रात को मिलते हैं सारे के सारे, 8 बजे मिलेंगे, ठीक है। एनटीएससी लास्ट ईयर कब से डिस्कस कीजिएगा, एनटीएससी का नहीं, बोर्ड का जो 2021 का आउट हुआ है, बोर्ड का 2021 कल डिस्कस करेंगे, इसके साथ आज की क्लास को रैप अप करते हैं एंड अब चलते हैं, ठीक है, बाय, कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है, बाय।